मॉर्निंग बच्चों, हिंदी में हमारा पाठ चल रहा है मेरी किताब, और हम मेरी किताब की कर रहे हैं पीछे की एक्सरसाइज, और आज हम करेंगे पेज नंबर 44 की एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें क्या सवाल पूछा है। क देखिए, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा था? देखिए इसका आंसर होगा ये, क्योंकि वीरू किताब को लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से पसंद कर रही थी। वीरू कह रही थी ना कि ये किताब तो लंबी है, ये किताब तो मोटी है, तो इसलिए उसकी मौसी ने कहा तुम अपने साथ एक फुट्टा लेके आना और नाप कर अपनी किताब ले लेना। दूसरा सवाल है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? तो देखो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये है कपड़ा, ये है पानी, ये है आम, ये कागज, ये मेज़, इनको नापने के लिए हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो पहले देखते हैं कपड़ा। कपड़े को मापने के लिए हम इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं, आम को तोलने के लिए हम तराजू का इस्तेमाल करते हैं, मेज़ को नापने के लिए भी हम इंची टेप का इस्तेमाल करेंगे, और कागज़ को नापने के लिए फुट्टे का इस्तेमाल करेंगे, पानी को नापने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे हम लीटर या पलिया भी कहते हैं। तो इसके उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये हैं इसके उत्तर, कपड़े को इंची टेप से, आम को तराजू से, मेज़ को इंची टेप से, कागज़ को फुट्टे से, और पानी को पलिया या लीटर से। पलिया या लीटर की पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों। देखिए ये ऐसा होता है, आपके घर में अगर दूध वाला आता है तो देखा होगा आपने भी उसके पास कि ऐसा पलिया होता है, या फिर एक ऐसा जार भी होता है, इससे हम पानी या किसी भी द्रव्य पदार्थ को या लिक्विड पदार्थ को हम उससे नापते हैं। ठीक है, आपको साफ साफ ही अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, गुड लक।